क्या अखिलेश और बाबू सिंह कुशवाहा की नहीं हुई थी 5 महीने पहले एक मुलाकात? कब हुई मुलाकात तुम बता दो, अगर मुलाकात हुई हो तो। हालांकि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बाबू सिंह कुशवाहा की एक मुलाकात लगभग 5 महीने पहले हुई थी। आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ कोई मुलाकात हुई ही नहीं? क्या है इसके सीआईसी मायने? अगर इसके सीआईसी मायने लगाए जाए तो गठबंधन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकते। अखिलेश यादव एक विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं। आखिर क्यों झूठ बोला अखिलेश यादव ने? क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा और अखिलेश यादव की 5 महीने पहले एक सियासी मुलाकात हुई थी, जिसकी खबर सभी टीवी चैनलों पर आई थी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आई थी और तमाम छोटी छोटी वेबसाइट या टीवी नेटवर्क की वेबसाइट पर भी इसकी खबर आई थी। आखिर अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि बाबू सिंह कुशवाहा से उनकी मुलाकात नहीं हुई? हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा ने मुलाकात की जानकारी मुलाकात करने के बाद स्वयं मीडिया को दी थी। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा था कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है जिसमें गठबंधन की कोई कयास नहीं लगाए जा सकते हैं, गठबंधन के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो आपस में कोई सियासी चर्चा तो जरूर होती है। बाबू सिंह कुशवाहा ने केवल और केवल मीडिया को इतनी ही जानकारी दी थी। आपको बता दें कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि बाबू सिंह कुशवाहा या अखिलेश यादव की यह मुलाकात पर क्या सियासी संकट मंडरा रहा है। एक बार फिर सुन लीजिए अखिलेश यादव का वो बयान। अरे पहले जनता से अपील करेंगे, ये जनता का चुनाव है, ये सीबीआई इनकम टैक्स का चुनाव नहीं है। कब हुई मुलाकात तुम बता दो, अगर मुलाकात हुई हो तो।